भाई पता नहीं कितने साल बाद खेला हूँ, अभी पहचान में आ रहा हूँ ना, अभी नहीं आ रहा हूँ, अभी भूत लग रहा हूँ। हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हैप्पी होली। पता नहीं कितने सालों बाद इतने सारा रंग लगाया, नहीं तो एक टीका लगाता था और मुंबई में तो भाई मैं खेलता ही नहीं था, और यहाँ पे क्योंकि आज मौके पे चौका मार दिया, मामा जी के घर से उनका बेटा आया तो रंग के चला गया। यादों को समेट लेना चाहिए, तो अपने पास तो बहुत अच्छा तरीका है कि ब्लॉग कर लेते हैं तो कभी देखेंगे, तो इसलिए इन यादों को समेट लेते हैं, मतलब रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इधर माँ बैठी हुई है, और ये देखो गांव के सब लोग आने लग गए हैं, क्योंकि गांव वाली बात है ना, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो होली चालू हो गया। हैप्पी होली। थैंक यू। हैप्पी होली। और भाई पता नहीं कितने साल बाद लगा रहा हूँ, और क्योंकि बहुत साल बाद होली पे मैं घर पे हूँ, नहीं तो भाई मुंबई में ही रहता था और वहां तो यार उतना खेलता नहीं था और अवॉइड ही करता था। और देखा ये सारे के सारे आ गए हैं, गांव के सारे आस पड़ोस के बच्चे हैं, और ये है मेरे मामा जी के बेटे का बेटा, मतलब मेरा भांजा। भांजा क्यों, चाचा लगना चाहिए, भांजा क्यों है इसके पीछे भी कहानी है। ये देखो सबसे बुरी बात है बालों में डालने का, तो अभी लगाने में तो ठीक है, लेकिन नहाने में ना वाट लग जाएगी। अभी घर पे आए हो तो फिर जब एक बार रंग लिया है तो भी खेल ही लो और एक ब्लॉक कर लेते हैं, तो फिर कब मौका मिले ना मिले, तो इसीलिए कल हो ना हो तो इसीलिए आज जो है उसको एंजॉय कर लेते हैं और उसको ब्लॉक कर लेते हैं। और अभी वो कॉलेज और स्कूल वाली होली तो ख़त्म ही हो गई है, वो तो फिर मेरा देहरादून में मनता था, जो मेरे यार दोस्त रहते थे, टोली निकल के जाते थे बाइक वाइक में। और देखो ये सब टमाटर वगैरह लगे हुए हैं, मस्त लाल लाल टमाटर, ये टमाटर खाते हैं, ऑर्गेनिक टमाटर खाने का मज़ा ही और है, तो धो लिया है। खा लो भाई, जब मौका मिले तब चौका मार दो, और ये सब तो भाई शहरों में कहाँ मिलता है। और वो देखो दीदी लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ पे होली चालू है, चारों तरफ पक्की सड़कें बन गई है, लेकिन यहाँ पे कच्ची है क्योंकि यहाँ पे नाले का प्रॉब्लम आ रहा है, अपन ने तो नाला छोड़ दिया है एक हाथ, तो इधर से समझ रहे हो ना, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है इस रोड पे, तो इसलिए ये कच्ची रह गई है अभी तक। यहाँ से पक्की सड़क है, जिसका बेटा मुझे लगा के गया था, तो ये है बाप उसका, तो ये है अनूप मेरे मामे का लड़का। हैप्पी होली। हैप्पी होली। पहले ये आया था मुझे रंग के, ये गया, और ये मेरे मामे का छोटा लड़का है, छोटा बेटा है अनूप, बड़ा है ये अरूप है, क्योंकि ये दो। और ये देखो, ये देखो, ये है होली का असली मजा। ये बालों में डालना बिल्कुल सही नहीं है। और देखो मैं कह रहा था ना कि जो जो बाबू मतलब भांजा आया था, तो वो चाचा भी कह सकता था, लेकिन मुझे मामा कहता है, उसके पीछे कारण ये है, ये मेरी बुआ की लड़की है, अपनी बुआ की लड़की है, तो उस हिसाब से मामा बनता है, और शादी हुई है मामे के लड़के से, तो फिर दोनों तरफ से रिश्ता हो गया है, तो फिर अपने होली डबल है, और इसीलिए पापा वाला रिश्ता ही रखा है, तो इसीलिए बेटा कहाँ गया, ये आओ 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 सारे रिलेशन, तो ये बेटा है, तो ये मामा कहता है, इसीलिए चाचा नहीं कहता, तो दोनों तरफ से रिश्ते हैं। देखो सब लोग फायदा उठा रहे हैं इसलिए, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है, मेरे हाथ बंधे हुए और सब लोग ना इसका फायदा उठा रहे हैं। भाई पता नहीं कितने साल बाद खेला हूँ, अभी पहचान में आ रहा हूँ ना, अभी नहीं आ रहा हूँ, अभी भूत लग रहा हूँ। और ये मामी जी है, और हम बड़ों को ना पैरों पे लगाते हैं ऐसे। हैप्पी होली। चलो होली मना लिया यहाँ, और ये मामा जी का घर है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मूड बन गया है कि शहर की तरफ भी होके आते हैं। ये देख रहे हो, ये जो अपना सपना था यहाँ पे हिमालयन है, और ये अरूप ने ली हुई है हिमालयन अपनी। देखते हैं शहर में क्या हालचाल हो रहा है। जो
जोरहाट टाउन का मेन रोड है, ये गौराली कहते हैं इसको। तो आज होली है तो फिर दुकान वकान तो बंद है, लेकिन आगे हुड़दंगड़ हो रहा है भाई, आगे तो भीड़ है बहुत ज्यादा, टोली निकल रही है पूरी, तो देखते हैं क्या हो रहा है। और पहुंच गए भाई, और हालत ऐसी हो रही है, और ये देखो पीछे तो देख रहे हो पूरी के पूरे मतलब बस्ती चल रही है यहाँ पे, और पानी वानी रेनफॉल वगैरह रेन डांस वगैरह चल रहा है पूरा यहाँ पे। तो ये है अपने जोरहाट का, अपने शहर का होली। 10-15 साल हो गए होंगे कि इस तरह से होली मनाई है, खुल के होली मनाई है। तो यही है भाई अपना शहर जोरहाट। और ये आ गए अनूप, और ये लोग भी आ पहुंचे हैं यहाँ पे। और अभी अरूप फिर गुम हो गया है, अब फिर उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग में लग जाता हूँ वो आगे निकल जाता है। अभी बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढा था उसको, या उसने मुझे ढूंढा था, और अभी फिर से मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। और अब आज तो ये प्रॉब्लम है ना कि भाई सब एक जैसे लग रहे हैं। चलो मिल गया मिल गया मिल गया, उसी ने मुझे ढूंढ लिया। चलो थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं। और ये मतलब जोरहाट का एक मेन चौक जो होता है ना शहर का, तो ये बरुआ चारियाली है, ये डिग्री कॉलेज है जगन्नाथ बरुआ कॉलेज जोरहाट, और 1930 से है, मतलब ये अंग्रेजों के जमाने से है भाई। की बात है कि आरोपी यहाँ पे था, क्योंकि इसकी पोस्टिंग यहाँ पे हो गई है, तो ये इंजीनियर साहब है, तो फिर जियो में है ना? हाँ जियो। हाँ तो जियो में इंजीनियर है, और पहले तो आउट ऑफ स्टेट रहता था, तो अभी पोस्टिंग हुई है इसकी यहाँ पे अपने होम टाउन में। इसको अच्छी अच्छी जगह पता है, लेकिन चक्कर क्या है ना कि इसका ऑफिस रहता है, तो वो प्रॉब्लम है कि मिलाना पड़ेगा टाइम, कि इसका भी छुट्टी रहे। मैं तो चलो छुट्टी में ही हूँ, तो इसकी छुट्टी मिले तो फिर अपन निकलेंगे फिर कहीं। ये लोग प्रैंक कर रहे हैं कि खाली खाली गिलास है, और लोगों को डरा रहे हैं, उस तरह की वीडियो बन रही है, रील बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे गांव वाली फीलिंग मिल जाती है, गांव मतलब कस्बा बोलेंगे, वो खेती वाले गांव तो नहीं, लेकिन एक जो कस्बा बोलते हैं उस तरह का है, और काफ़ी साफ सुथरा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पूरा ही साफ सुथरा है, मतलब उतनी गंदगी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। जोरहाट का इंजीनियरिंग कॉलेज है, ओहो इंजीनियरिंग कॉलेज के लोंडो को देखो, सब कीचड़ में, सब कीचड़ में भाई, कीचड़ में। और ये जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज है, JEC के बच्चे हैं ये सब, स्टूडेंट है। मुंबई में भी थार दिखी, यहाँ भी थार दिखी है भैया, थार आने वाली है भाई। और ये सामने इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ये मस्त होली खेल रहे हैं, हैप्पी होली। मेरे बड़े मामा थे तो यहाँ के प्रोफेसर भी थे, तो उस जमाने की बात है, वो 80-90s की बात है, तो यहाँ पे आया करते थे हम लोग, यहाँ पे क्वार्टर मिला हुआ था उनको, तो अभी तो काफी कुछ बदल गया है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, सब्सक्राइब कर लो सबके सब। ऑल इंडिया रेडियो है यहाँ पे आगे, तो ये रेडियो सेंटर है जोरहाट का, और उसके मौसा जी जो थे यहाँ पे वो पोस्टेड थे, तो यहाँ पे बहुत आना जाना लगा रहता था 90s में। और एक्चुअली क्या है ना, उनके घर में उस टाइम VCR हुआ करता था, तो हम लोग लालच में आते थे VCR में फिल्म देखने के लिए।
तो ये इन्हीं क्वार्टरों में रहते थे वो लोग। तो भाई साहब बहुत पुरानी बातें याद आ रही है, तो इसीलिए कहते हैं ना बीच बीच में गांव जाना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए, पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहिए। ज़िंदगी है यार, मतलब बचपन में और कॉलेज टाइम में बहुत मस्ती मारी है, उसके बाद जब आप पैसे कमाने लग जाते हो ना तब लगती है बाट। तो उसमें भी बीच में जगह निकालना चाहिए। और मेरा भी मतलब ये है कि मैं कोई सोच के नहीं आया था, प्लानिंग करके नहीं आया था कि होली पे ही जाऊँगा, बस हो गया। तो ऊपर वाले माता रानी ने बोला है कि जा एक बार मस्ती मार के आया। हैप्पी होली। लाइफ ऑफ राज, लाइफ ऑफ राज चैनल नेम, लाइफ ऑफ राज RAAJ, और मैं पब्लिसिटी भी कर रहा हूँ भाई अपने चैनल का। हैप्पी होली। एक ने पूछा था कि हमें शूट तो कर रहे हो, देखेंगे कहाँ, तो फिर इनको चैनल नाम बता दिया, देखते हैं कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना चलते फिरते बंदर भी मिल जाएगा, ये देखो यहाँ सब मिलेगा आपको, बंदर मिलेगा, थोड़ा आगे जाएंगे तो हाथी भी मिलेगा। यहाँ से कम 50 किलोमीटर आगे पीछे जाएंगे तो ऐसे रोड है जहाँ जंगल के बीच में से निकलती है रोड, तो वहाँ हाथी भी देखने को मिल जाएगा, और मतलब जंगली जानवर वगैरह सब। और काजीरंगा साइड जाएंगे तो वहाँ तो गेंडा एंडा सब, राइडो वगैरह सब। और ये हम लोग अपने गांव की तरफ, ये रोड मुड़ती है और हम लोग ये पीछे से आए इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ, और आगे की तरफ हम हमारा शहर है, और घूम फिर के अपन अपने गांव वाले रोड में पहुंच गए। आरूप की वजह से आप लोगों को भी देखने को मिला, मुझे भी देखने को मिला, और थैंक यू। और एक छोटा मोटा सा ब्लॉग है, तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मतलब मुंह में चला गया आधा तो भाई। तो हैप्पी होली, और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है, तो अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। और वंस अगेन सभी को हैप्पी होली, और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।